तो गाइज थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि वीडियो किस टॉपिक पर बनने वाली है। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, 4-5 मिनट की वीडियो है। आप पूरा जरूर देखें और परफेक्ट तरीके से सीख जाएंगे, आपको दोबारा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो हमें सबसे पहले करना क्या है, फोटोशॉप में अपनी कोई भी इमेज ओपन कर लेनी है, जिस इमेज को हमें स्मूथनेस बनाना है और उसे लाइट करना है। जैसे मेरे पास एक इमेज है, इसको हम स्मूथनेस बनाएंगे। हमें उसके लिए करना क्या है, यहाँ लेयर में जाके इसकी एक डुप्लीकेट कॉपी तैयार करेंगे। अगर आपका लेयर पैनल ओपन नहीं है तो आप यहाँ विंडो में जाके और यहाँ लेयर पे क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। और इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए यहाँ से इसको माउस से पकड़ के और यहाँ नीचे जो प्ले का निशान है इस पे लेके आएंगे, यहाँ छोड़ देना है इसको। ये हमारी डुप्लीकेट कॉपी तैयार हो चुकी है। फ़ोटो को जूम करने के लिए कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस दबाएंगे इस तरह से, और कंट्रोल माइनस से जूम आउट होगी और कंट्रोल प्लस से जूम इन। तो सबसे पहले हमें इसको स्मूथनेस बनाने के लिए यहाँ फिल्टर पे जाना, ऊपर यहाँ पे हमें ब्लर पे जाना है और यहाँ से हम गेशियन ब्लर पे जाएंगे। यहाँ से हम इसको ब्लर करेंगे अपनी इमेज के अनुसार, जितना हमें इसमें स्मूथनेस चाहिए हम उसी तरह से इसको ब्लर करेंगे। आप यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं या अनचेक करके इस तरह से। तो हम इसको इतना ही ब्लर करेंगे जितना हमें इसको स्मूथनेस चाहिए। मैं इस इमेज को फिलहाल इतना ही ब्लर रखूँगा, रेडियस इसका 4.7 रखता हूँ। आप अपनी इमेज में अच्छे से चेक करके और सेट कर सकते हैं और फिर यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमें इसका एक मास्क तैयार करना है। यहाँ लेयर में नीचे ऐड लेयर मास्क पे क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो इस तरह से इसका मास्क तैयार हो जाएगा। इसको इन्वर्स करेंगे, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो इस तरह से हमारी पहले वाली इमेज इसमें शो होने लग जाएगी। अब हमें यहाँ ब्रश पे जाके ब्रश टूल लेना है और ओपेसिटी को हमें फुल पे करना है, फ्लो को भी हमें फुल रखना है और ब्रश का यहाँ से साइज हम सॉफ्ट रखेंगे। कोई भी आप सॉफ्ट ब्रश ले सकते हैं यहाँ से, और ब्रश को आप छोटा बड़ा कीबोर्ड के ब्रैकेट से करेंगे। लेफ्ट ब्रैकेट से ब्रश छोटी हो जाएगी और राइट वाले ब्रैकेट से ब्रश का साइज बड़ा हो जाएगा इस तरह से। और कंट्रोल प्लस से हमें जूम करके और हमें फोटो को पेंट कर लेना है इस तरह से। हमें सिर्फ स्किन को पेंट करना है, स्किन एरिया को ही पेंट करना है, बाकी हेयर आइज और लिप्स को हमें पेंट नहीं करना है। सिर्फ हमें स्किन को पेंट करना है इस तरह से। तो मैं एक बार आपको पेंट करके दिखा देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना बने। तो गाइज इस तरह से आपको स्किन एरिया को पेंट कर लेना है ब्रश की सहायता से। और इसके बाद हमें फिर से यहाँ लेयर बॉक्स में जाना है और यहाँ नीचे एडजस्टमेंट लेयर पे जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से हमें कर्व्स पे जाना है और इसको यहाँ से लाइट करेंगे अपनी इमेज के अनुसार। आप जितना लाइट रखना चाहते हैं उतना लाइट यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ ओके पे क्लिक करेंगे। और ब्लैकनेस कम करने के लिए आपको यहाँ फिर से एक बार जाना पड़ेगा यहाँ एडजस्टमेंट लेयर पे, और यहाँ से लेवल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ इसको इस तरह से आप इसकी ब्लैकनेस भी कम कर सकते हैं इस तरह से, लाइट ब्राइटनेस इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो आप इस तरह से अपनी किसी भी इमेज को स्मूथनेस और लाइटनेस बना सकते हैं। और यह करने के बाद आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना है, फिर यहाँ से हमें इन सबको लॉक कर देना है इस तरह से पिन करके और कंट्रोल ई करेंगे, तो ये इस तरह से लॉक हो जाएगी। फ्रेंड्स ये लॉक करने के बाद नीचे वाली इमेज को भी लॉक करेंगे पिन लगा के इस तरह से कंट्रोल ई करके, और हीलिंग ब्रश लेके जो थोड़े बहुत निशान दिखाई दे जैसे ये इसमें दिखाई दे रहे हैं, और ओल्ट दबा के यहाँ से क्लीन जगह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस तरह से हम इसको क्लिक करके माउस से और इनको हटा सकते हैं। जो अलग से थोड़े बहुत निशान दिखाई दे उनको हम इस तरह से हटा सकते हैं अपनी इमेज में। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं हमारी इमेज बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अगर इसके बाद भी आपको थोड़ी बहुत कमी नज़र आए तो आप या फिल्टर में जाके या नॉइस पे जाके या JPG क्लीनअप पे जाएंगे या 10 का स्मूथनेस रखेंगे और ओके करेंगे।
तो आपकी इमेज इस तरह से परफेक्ट स्मूथनेस और लाइटनेस हो जाएगी। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप अपनी किसी भी इमेज को स्मूथनेस और लाइटनेस अपने एडोब फोटोशॉप 7.0 में बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।